नमस्कार शर्मा जी, टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए जो वीवो की तरफ से लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च किया गया है Y55L, इसका जो है वो नाम है। आप देख सकते हैं फ़ोन की जो पैकिंग है वो किस तरह से मिलती है, और यहाँ पर लिखा गया है कि स्क्रीन फ्लैश आपको यानी कि जो अच्छी सेल्फी पिक्चर के लिए जो है वो दी गई है। वीवो जो है वो IPL का प्राइम स्पॉन्सर था इस बार में। अगर हम बात करें बॉक्स के ऊपर कुछ हाईलाइट्स की, तो यहाँ पर आपको लिखाया गया है 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है, क्वालकॉम का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, 2GB और 16GB की मेमोरी है, 8 MP और 5 MP का कैमरा दिया गया है। अगर बैंड्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और अगर यहाँ पर कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है 12,980 रुपये रखी गई है। अभी तक मुझे जो इसकी कीमत नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे जो वो कम में ही होने वाली है। वीवो के जो फ़ोन है वो ऑफलाइन मार्केट में जो काफ़ी बिकते हैं, तो अगर आपके पास में जो है वो ऑनलाइन जो फ़ोन मिलते हैं वो नहीं आ पाते हैं, और अगर आपको इनसे गुजारा करना पड़ता है और इनकी सर्विस अच्छी मिलती है, तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको इन तरह के फ़ोन में जो है क्या कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो आपको दो सील दी गई हैं, तो उसको भी हम जो है वो ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, तो अगर आपको कोई फ़ोन बिना सील के मिलता है तो आप ना लीजिएगा, बिल्कुल सील्ड पैक आपको जो है फ़ोन लेना चाहिए हमेशा। और वीवो ने इस बार जो है वो बिल्कुल टाइम से जो है वो फ़ोन भेज दिया है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को उनको जो है वो धन्यवाद देना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्या फ़ोन जो है वो नया लॉन्च हुआ है। सबसे पहले आपको बॉक्स में जो है फ़ोन मिलता है, इसके ऊपर दिखाया गया है कि आप जो है वो माइक्रो सिम और नैनो सिम लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि बॉक्स के अंदर जो है वो क्या कुछ आपको मिलता है। यहाँ पर आपको जो है एक माइक्रो USB टू USB केबल दी गई है। उसके बाद में एक ईयरफोन्स दिए गए हैं, हालांकि जो ईयरफोन्स है वो इन द ईयर नहीं है, आप ईयर में लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है एक चार्जर दिया गया है। चार्जर की जो रेटिंग है वो आपको 5V 1A पे दी गई है। तो मुझे लगता है कि वीवो की तरफ से एक बजट सेगमेंट का फ़ोन है। और यहाँ पर आपको कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन लीफलेट वगैरह दिया गया है, सिम इजेक्टर पिन दी गई है, और यहाँ पर आपको जो है वो क्विक स्टार्ट गाइड, सार वैल्यूज वगैरह दी गई, और एक कवर दिया गया है। तो कवर जो है वो आज की तारीख में एक नेसेसरी बन जाती है। कवर नहीं होता तो हमारे जो फ़ोन है उसकी प्रोटेक्शन को जो है बड़ा नुकसान होता है। चलिए एक्सेसरी को रखते हैं साइड में, और आप देखते हैं फ़ोन। फ़ोन जो है वो यहाँ पर आपको गोल्ड कलर में दिया गया है, देख लेते हैं गोल्ड कलर में। तो ये मेन फ़ोन है, इसकी बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको पैकिंग मिलती है। इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हम, और ये देखिए कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन मिलता है सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से। वीवो लिखा गया है यहाँ पर, कैमरा है यहाँ पर, ये सब दिया गया है। राइट साइड में आपको जो है वो पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं। और अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो आपको इस तरह से कुछ डिज़ाइन मिलता है। एक क्रोम की जो छोटी सी लाइन है यहाँ पर इसमें दी गई है, यहाँ पर चारों तरफ दी गई है। नीचे की तरफ आपको प्राइमरी माइक मिलता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया, चार्जिंग के लिए स्पीकर का आउटपुट दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको एक सिम ट्रे दी गई है, और ऊपर की तरफ भी आपको जो है यहाँ पर ट्रे दी गई जिसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है वीवो के फ़ोन में कि आप दो सिम के साथ में जो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, वरना मोस्टली चाइनीज जितने भी फ़ोन आते हैं आजकल हाइब्रिड का कंसेप्ट आ गया है, और जो भी हमारे भाई बंधु बेचारे एसडी कार्ड यूज़ करते हैं उनके लिए जो दिक्कत हो जाती है। तो आप इसको यहाँ से दबाएंगे इस तरह से, और अपना जो माइक्रो एसडी कार्ड है इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं इसको जो है वो ऑन कर देता हूँ, और तब तक ये वाला ट्रे भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो इसमें आप एक माइक्रो सिम और एक नैनो सिम भी जो है वो लगा सकते हैं। VoLTE को सपोर्ट करता है ये, तो आप इसमें जो है वो जियो का 4G सिम भी यूज़ कर पाएंगे और डेटा भी यूज़ कर पाएंगे, तो उसमें भी आपको कोई शिकायत जो है वो नहीं आएगी। तो फटाफट से मैं इसको जो है वो सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो फ़ोन जो है पूरा सेटअप कर लिया मैंने यहाँ पर, और जो कवर भी लगा लिया है, कवर जो है आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिया गया है, तो अच्छी आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिल सकती है। और मेरी तरफ से रेकमेंडेड है कवर के बिना कोई भी फ़ोन बिल्कुल मत रखो, वरना जो है वो बड़ी परेशानी आपको हो सकती है। फ्रंट टच इसमें जो आपको OS दिया गया है, सीधे पर चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग के अंदर, और आपको दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है। थोड़ी सी स्क्रीन की जो लाइट है उसको बढ़ा देते हैं आपके लिए, अब दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल चकाचक। मोर सेटिंग में चलते हैं, अबाउट फ़ोन में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है, जी हाँ। फ्रंट टच OS दिया गया है इसमें, मॉडल नंबर 1603 है, IMEI नंबर वगैरह है, एंड्रॉइड 6.0.1 है, 1 अगस्त का सिक्योरिटी पेज है, 1.4 GHz का स्नैपड्रैगन का 430 चिपसेट दिया गया है, जो आपको सेम मिलता है Redmi 3S Prime के अंदर। तो यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन थोड़ा देखने वाला होगा कि 2GB और 430 के साथ में किस तरह से ये काम करने वाला है। अब और बताएं आपको क्या चीज़ें यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ पर OTG इसमें जो है वो सपोर्ट करती है, तो आप उसको जो है वो OTG को भी ऑन या ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। ऑटो लॉक वगैरह दिया गया है, डेट एंड टाइम। स्टोरेज आपको दिखा देते हैं, स्टोरेज इसमें जो आपको 16GB दी गई है, 16GB से आपको जो है 8GB के लगभग अवेलेबल मिलती है, थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी एक अच्छी बात दिखाई देती है। और इसमें कई चीज़ें दी गई हैं, स्मार्ट मोशन, वाईफाई डिस्प्ले, स्मार्ट मल्टी स्क्रीन ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आप मल्टी स्क्रीन में इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये देखो डबल करके यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम आने वाले रिव्यू में दिखाएंगे। सुपर स्क्रीनशॉट है, स्मार्ट क्लिक है, लोकेशन, गूगल वगैरह इसमें जो है वो दिया गया है।
अब सीधे चलते हैं यहाँ पर इसके कैमरा के अंदर। कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल लिए हैं, ये देखो, ये जो है मैंने डेलाइट में सैंपल लिया है इसके 8 मेगापिक्सल से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लोज शॉट लिया है, तो किस तरह से आपको मिलता है। और अगर मैंने फ्लैश के साथ में लिया है, यानी कि बहुत सारी रोशनी है और फ्लैश के साथ में लिया है, तो आप देखिए किस तरह चमक जो है वो आ गई है। ये जो है मैंने डे शॉट है, लॉन्ग शॉट लिया है थोड़ा दूर की चीज़ों के लिए। ये देखिए, ये क्लोजअप शॉट लिया है, तो हल्का सा बोके इफेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसमें भी नज़र आ रहा है। सेल्फी पिक्चर की बात करें तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको मिलती है ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ में। और यहाँ पर बात करें तो ये वाली जो फोटो है मैंने ली है विद स्क्रीन फ्लैश, ये ली है विदाउट स्क्रीन फ्लैश, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही डल आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिना स्क्रीन फ्लैश के लिए है, ये जो है स्क्रीन फ्लैश के साथ में ली है, तो चमक जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाती है स्क्रीन फ्लैश के साथ, बिना स्क्रीन फ्लैश के, इस तरह से। बाकी इसका जो है वो और आपको कैमरा जो रिव्यू है वो आपको आने वाले समय में देंगे। रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो टच रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर आपको ठीक मिलती है। तो फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक लुक है वीवो के Y55L के लिए पसंद आया होगा। इसकी जो प्राइस है वो आपको वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर मिल जाएगी, इसकी प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में तो वीवो जो है वो मिलता ही मिलता है। ये वीवो ओप्पो ये जो है वो किंग है ऑफलाइन मार्केट के, तो वहाँ से आप इसको जो है वो ले सकते हैं। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने आप बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव शिकायत है इस फोन के लिए तो उसे आप पूछ लीजिएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका जो है जल्द जवाब देने की। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह से आपके लिए नए नए रिव्यू जो है लेकर आते रहते हैं। और अगर हमारा वीडियो देखते रहते हैं तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।